सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्ते। मैं अंजू देवी बुटुल आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में एक शानदार ब्लॉग में। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत करें खूबसूरत शहर मुंबई से। टाइम हो रहा है सुबह का, पौने नौ होने वाला है। तो मैं सुबह का सब काम हो गया, आज कपड़े रह गए क्योंकि कल से रेगुलर पानी आ रहा है 24 घंटे। तो मैंने बोला चला थोड़ा आराम कर लेते। आराम भी क्या किया, परवेश को सी स्कूल गए, गले टिफन बनाए, रोटी भाजी बनाई, चाय बनाई, बर्तन धोए, पानी उनी भरा, झाड़ू पोछ हमारी नहाई, खाली कपड़े धोने बाकी है क्योंकि जगदीश का भी कॉलेज का टाइम हो गया। तो उसने बोला पहले मैं नहाता हूँ, तो जब वो नहाने गया तो मैंने बोला चलो अभी मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, दूध दूध ब्रेड ले के आ जाती हूँ, भाजी दोपहर को देख लेगी क्योंकि उतना वक्त है भी नहीं, पौने नौ हो गया। मुझे भी नाश्ता भी बनाना है और जगदीश के लिए टिफन बनाया, रोटी वो भाजी बनी है, आटा तो गूंदा है लेकिन रोटी बनानी बाकी है और अपने लिए भी, हम दोनों के लिए भी बनाना बाकी है। तो जब तक वो नहाता है तब तक मैं पटक से दूध दूध लेके आती हूँ। बारिश फिर से बारिश शुरू हो गई है, तो चलो बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बाहर का व्यू ये है अपनी सोसाइटी। गाड़ी अभी पार्किंग पे लगी है, बारिश आ गई। मैं पहले छतरी को ओढ़ती हूँ, अभी तक जोरदार आ रही थी, थोड़ा सा कम हो गई लेकिन बारिश बंद होने का नाम नहीं हो। तो चलते चलते बना रही वीडियो, थोड़ा हिलेगा हाथ अपना चलता है। तो ये है अपनी सोसाइटी, यहाँ से शुरू होती है। ये देखो ना पानी कैसे भरा है, इतना दिमाग ख़राब हो रहा, बाहर तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ पानी। ये है बाहर का व्यू, ज़्यादा पानी नहीं भरा है। चलो मैं पहले इधर से जाती हूँ, तो इधर पूरा ये पानी भरा है, बाहर का व्यू है। इधर से जाती हूँ मैं आगे को क्योंकि मेरे को खाली दूध और ब्रेड लेना है, तो देखती दुकान खुली होगी तो इधर से लेके आती हूँ क्योंकि आजकल ये दुकान ज़्यादातर बंद ही है। तो आगे दुकान बंद, अच्छा खुली है आज, बहुत मुश्किल हो जाता है। और कीचड़ कीचड़, बाप रे इतना गंदगी, क्योंकि गटर जगह जगह भरे हैं ना मिट्टी से, तो वो पानी रुक रहा है। तो पत्ते देखो कितने जड़े, डेली सफाई होती है लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। अब जाती हूँ मैं घर में फटाफट, अभी थोड़ा बारिश बंद हो गई तो चलो अच्छा हुआ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेके आ गई हूँ जगदीश, अभी नहा रहा हो तो फटाफट मैं नाश्ता बनाती हूँ उसके लिए। नाश्ता तो उसने कर दिया ना, टिफिन बनाती हूँ और अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि 9 बज गया है। मेरे को बाद में कपड़े भी धोने हैं क्योंकि आज मैंने कपड़े नहीं धोए, बाहर थोड़ा बारिश बंद हुई तो फटाफट लेके आ गया। दूध की दुकान भी खुला थी और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे घर, हमारे इधर घर ही समझो, घर में 24 घंटा कल से पानी आने शुरू हो गए। कम से कम 2-2.5 महीने के बाद कल से पानी शुरू हो गया 24 घंटों। इतना मुश्किल हो रहा था, एक घंटा आधा घंटा 2-2.5 महीने से। चलो अब यह है कभी भी धो कपड़े, कभी भी काम करो अपना जो भी छोटा मोटा काम है, बिना काम पानी के ना झाड़ू पोछा हो, बर्तन हो, कपड़े हो, नहीं होता है। तो 24 घंटा पानी आ रहा है तो कभी भी काम कर सकते हैं। तो चलो पहले जाती हूँ किचन में, अपने प्यारे से किचन है। मेरे किचन कितना चमक रहा है। ये हमारा सिंक है, यहाँ पर मैंने ड्रम रखा है, इधर एक को रखा है, ये गैस का मीटर है, इधर गैस की पाइप ग्राइंडर की, ये सांस है। ये कल मैंने ये छिगा पूरा धोया रात को, इधर ऊपर पूरा घसा है। तो किचन में मेरे पूरे टाइल्स लगे हैं। ये फ्रिज है, ये पिछले साल लाई थी फ्रिज, को डबल डोर वाला है। अब यहाँ से मेरा चौका शुरू होता है। अपने प्यारे से किचन है, मेरे किचन कितना चमक रहा है। ये हमारा सिंक है, यहाँ पर मैंने ड्रम रखा है, इधर एक को रखा है, ये गैस का मीटर है, इधर गैस की पाइप ग्राइंडर की, ये सांस है। ये कल मैंने ये छिगा पूरा धोया रात को, इधर ऊपर पूरा घसा है। तो किचन में मेरे पूरे टाइल्स लगे हैं। ये फ्रिज है, ये पिछले साल लाई थी फ्रिज, को डबल डोर वाला है। अब यहाँ से मेरे जोरदार बारिश। दोस्तों ये साल मुंबई वालों को बारिश से राहत नहीं,
5 बज गए हैं। अब बाहर का मौसम देखो सुहाना हुआ, बिल्कुल सुहाना। धूप लगी है दोपहर से बहुत अच्छी सी, और हवा चल रही, धूप के साथ में हवा चल रही बहुत अच्छी। हम जा रहे हैं ट्यूशन, जाएंगे पैदल। हम का मतलब है खुशी को भेजने जा रहे थे, हम दो है तो हम ही बोलते हैं ना, बहुवचन में आता है। तो ये बाहर का व्यू है नीलकंठ के, इधर का सुहाना। ये अपना नीलकंठ, ये है अपना मार्केट नीलकंठ, ये है अपना भाजी मार्केट। हाँ मस्त धूप लगी है अभी शाम के टाइम पे, सुबह से तो बहुत ज़्यादा बारिश थी लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा है। ये है हमारा भाजी मार्केट, ये देखो इधर। तो चलो आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है, सुबह से तो बहुत बारिश थी लेकिन अभी मौसम बहुत सुहाना बना है। अब मैं जाती हूँ पैदल, आ तो चाय भी बना के आई मैंने, बोलो हमेशा लेट हो रहा है घर जाते जाते, 5:30 हो जाते हैं, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप लगी है तो बहुत अच्छा लग। आ गई मैं घर पे, मैंने पहनी है ये चूड़ियाँ, एक है ग्रीन चूड़ियाँ, लाल चूड़ी पहना रही थी वो, लेकिन मेरी पसंद नहीं आया, वो बेकार था, जैसे मेरे को चाहिए थी ना वैसे नहीं थी। जिस दिन जिस काम के लिए जाओ ना, जिस चीज़ के लिए जाओ ना, तो उस दिन वो चीज़ मिलती नहीं, तो मैंने बोला ग्रीन ही पहना। अभी मैंने सादा वाला पहना, लेकिन ये पक्की वाली चूड़ियाँ, एक तो कच्ची वाली होती है, ये पक्की वाली चूड़ी मैंने पहना लो, तो ये पहन के आगे बहुत दिन से सोच रही थी मैंने को चूड़ी पहनने, लेकिन आई फाइनली पहन ली, क्योंकि आज धूप है, सुबह से दोपहर तक बहुत ज़्यादा बारिश थी लेकिन शाम से मौसम ने अपना रंग बदल दिया, तो थोड़ा राहत मिली अभी। तो मैंने चलो पहन ली थी, वो घर में आए, घर में आते ही मैंने चाय बनाई अपने लिए, फिर चाय बनाने के लिए मैंने पहले बना दी थी 5 बजे, लेकिन पिया नहीं क्योंकि गुड़िया को भेजने जाना था मेरे को ट्यूशन, तो गुड़िया को भेज के भी आई, चूड़िया भी पहनी, तो आ गई घर पर, मेरे चाय पीती हूँ, घर का काम निपटाती हूँ, फिर उसे गुड़िया को लेने जाना। तो आ गई मैं अपने प्यारे से रूम में, मेरे बच्चों ने ऐसे कपड़े जो स्कूल से आए हुए ने तो ऐसे बिखार के रखा है, पहले इनको सबको संभालती हूँ, चाय पीती हूँ, इनको बिटोल बटाल के कबाड़ पे रखती हूँ, उसके बाद फिर से गुड़िया को लेने जाना है। तो चलो दोस्तों आज के इस मिनी ब्लॉग को इधर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में।